हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंजलि और आज की इस एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास में मैं आपको इरेजर टूल के बारे में बताऊंगी। और इसी टूल के अंदर दो टूल और आते हैं, सीजर टूल और नाइफ टूल। तो सबसे पहले हम ट्राई करेंगे इरेजर टूल। इरेजर टूल आप जैसे ही सेलेक्ट करेंगे उसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का एक पेंसिल का आइकन बना हुआ आएगा। और अभी आप इसको कुछ भी करेंगे तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इसको वर्क करने के लिए सबसे पहले आपको एक शेप ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और सेम हम इसका एक डुप्लीकेट ले लेंगे और इसमें आउटलाइन फिल कर देंगे। और जिस पे आपको अप्लाई करना है सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद हम यहाँ से इरेजर टूल सेलेक्ट करेंगे। अभी आप देखेंगे तो इरेजर टूल का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, तो आप ब्रैकेट की हेल्प से इसको साइज़ को छोटा कर सकते हैं। साइज़ छोटा करने के बाद आप जैसे भी इसको मूव करेंगे, जिस भी डायरेक्शन में मूव करेंगे, ये उस ऑब्जेक्ट को इरेज कर देगा। इरेज करने के बाद आप देखेंगे तो ये दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो अलग अलग हो चुके हैं। इसी तरीके से हम आउटलाइन को भी इरेज करेंगे। जैसे आप आउटलाइन पे अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो इसकी स्ट्रोक है वो कंटिन्यू है, इसने यहाँ से कट नहीं किया है, उसको एक शेप में ही कन्वर्ट रखा है। आप चाहें तो इसमें इजीली कलर भी फिल कर सकते हैं। इस तरीके से आप इसकी हेल्प से किसी भी शेप को कट कर सकते हैं। और उसके बाद हम आ जाते हैं सीजर टूल। सीजर टूल के लिए भी हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे और सेम मैं इसमें भी एक फिल ड्रॉ कर रही हूँ और एक स्ट्रोक, ताकि हम दोनों पे अप्लाई करके देखें कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम यहाँ से सीजर टूल सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी शॉर्टकट भी दी हुई है, आप सी प्रेस करके भी इसको एक्टिव कर सकते हैं। और ये अभी आप देखेंगे तो हमने लास्ट जो इरेजर टूल यूज़ किया था, आप इस तरीके से ड्रॉ कर रहे थे तो वो कट हो जा रहा था शेप। अभी आप देखेंगे मैं इस तरीके से कट कर रही हूँ तो ये कट नहीं हो रहा, क्योंकि ये सिर्फ इन एंकर पॉइंट्स पे ही वर्क करेगा। अभी आप देखेंगे तो आपको कट नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके अलग करेंगे इस तरीके से तो आपको यहाँ पर कट नज़र आएगा। और अगर आपको इस पॉइंट पर भी कट लगाना है तो आप सिंपल यहाँ पर एक क्लिक कर दें। आप देखेंगे यहाँ पे कि एक क्लिक करते ही इसको बीच यहाँ से अलग हो जाना चाहिए था, बट इसने क्या किया, इस तरीके से शेप को अलग कर दिया। वो इसलिए क्योंकि जब आप किसी शेप को कट करते हैं तो ये क्या करता है, यहाँ पे पाथ को कंटिन्यू नहीं करता। तो जब हमने इस लाइन को कट किया था तो यहाँ पे कोई भी पाथ नहीं था। अगर हम यहाँ पे अगेन एक सर्कल ड्रॉ करते हैं और अगेन मैं इसको कट कर रही हूँ और अब आप इसे अलग करें और इसमें अगर आप स्ट्रोक फिल करते हैं तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कोई भी लाइन नहीं थी, जिससे कि ये यहाँ पे बीच में एक लाइन होती, तो अगर आप यहाँ पे कट करते तो ये अलग अलग इक्वली डिवाइड हो जाता, बट अभी ये इस तरीके से कट हुआ है। तो जो हमने इरेजर टूल यूज़ किया था, इरेजर टूल में आप देखेंगे तो ये क्या करता है, पाथ को कंटिन्यू रखता है, जिसकी हेल्प से आप वो शेप में कन्वर्ट हो जाता है और आप उसमें फिल भी कर सकते हैं। और ये क्या कर रहा है, उसको कंटिन्यू नहीं रख रहा है, ये स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दे रहा है। आप जितना इरेज कर रहे हैं ये उतना ही रख रहा है, उसको इरेज करने के बाद ये शेप में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। और अगर आप यहाँ पे भी एक कट लगाते हैं तो अब आप देखेंगे ये वाली शेप भी अलग हो चुकी है। तो इसको भी हम साइड में रख लेते हैं और उसके बाद अगेन मैं यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। और नेक्स्ट टूल है हमारे पास नाइफ टूल। नाइफ टूल भी कट करने का ही काम करता है, बस आप इसको किसी भी डायरेक्शन में इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो अब आप देख सकते हैं ये कट हो गया है।
तो इस तरीके से इसने इसको भी कन्वर्ट कर दिया है। आप देखेंगे तो ये जो हमारा फर्स्ट टूल था इरेजर टूल की जो हेल्प से हमने कट किया है, यहाँ पे दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जिस तरीके से आपने इरेजर टूल की हेल्प से इसको कट किया है, उसी तरीके से यहाँ पे आपने नाइफ़ टूल से भी कट करेंगे तो इस तरीके से कटआउट आ जाएगा। और इस चीज़ में आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं, मैं यहाँ पे कुछ सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ और इसका डुप्लीकेट लेके मैंने एक के ऊपर एक सर्कल रखा है और इसको अब हम ग्रुप कर देंगे। ग्रुप करने के बाद आपका कोई भी अगर ट्रेसिंग डिज़ाइन भी है तो आप उसे इजीली कट कर सकते हैं दो पार्ट में। मैंने यहाँ पे सर्कल ले लिया है और अब मैं चाहती हूँ ये इस तरीके से डिवाइड हो जाए। तो अब अगर आप देखेंगे, सेलेक्ट करके अनग्रुप कर लेंगे और अब आप सेलेक्ट करके इसको अलग करेंगे तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्रुप किया हुआ डिज़ाइन था वो भी इसने कट कर दिया है। तो इसकी हेल्प से आप कोई भी डिज़ाइन को अलग करना चाहते हैं तो आप इसकी हेल्प से उसको ईजिली कट कर सकते हैं। यहाँ पे सारे टूल कट करने का ही काम करते हैं, आप किसी भी टूल की हेल्प से इरेज कर सकते हैं। बस इसमें थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है कि आप इस टूल की हेल्प से किसी भी एंगल में इरेज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से स्क्वायर ड्रॉ करते हैं और इरेज करना चाहते हैं तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं। और अगर आप इस टूल पर डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे इसके सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। आपको जिस भी टाइप का ब्रश चाहिए आप यहाँ से इजीली उसको अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं और किसी भी एंगल में इरेज कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।